Hello dear students, how are you? I hope that you all have been enjoying your studies as well as taking care about yourself. Today in this video we are going to know about the art of the skill of note making or making notes. आज इस वीडियो में हम लोग नोट मेकिंग की स्किल को, नोट मेकिंग की जो आर्ट है उसको सीखेंगे. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ द स्किल ऑफ नोट मेकिंग वी मस्ट नो अबाउट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ मेकिंग नोट्स एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑफ नोट मेकिंग. आखिर नोट मेकिंग क्या है और नोट मेकिंग की हमें ज़रूरत क्यों है और इसका यूज़ क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशंस को शॉर्ट में लिखना, जिससे कि हम जब उन इंफॉर्मेशंस की हमें ज़रूरत पड़े तो वो शॉर्ट नोट्स ही हमें वहाँ केवल कुछ ही समय में देखने में वो सारी चीज़ें हमें वक्त पर याद आ जाएं. फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल, जेन्युइन एग्जांपल जो हम सबके साथ हुआ है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और जो हम याद कर रहे होते हैं उसको एक दो पेज में हम शॉर्ट में लिख रहे होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम के दौरान हम उसको साथ ले जाते हैं रास्ते में पढ़ने के लिए. ये जो हम वो दो पेज तैयार कर रहे होते हैं डियर वंस, दीज टू पेजेस और थ्री फोर पेजेस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नोट मेकिंग और मेकिंग नोट्स. इससे बढ़िया एग्जांपल नोट मेकिंग के हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक एक लाइन में वो क्या कहते हैं ना, गागर में सागर भर देते हैं. मैं तो कहता हूँ गागर छोड़िए, यहाँ पर हमने चम्मचों में सागर भर लेते हैं. इतने शॉर्ट में, छोटी छोटे पर्चियों में, छोटी छोटी लाइन्स में हम सारे कंटेंट, डेफिनेशंस, फार्मूलाज को हम तरह तरह ट्रिकी तरीके से लिखते हैं. एंड दीज ऑल ट्रिक्स अबाउट मेकिंग नोट्स, ये सारी जो चतुराइयाँ हैं, चालाकियाँ हैं, मैं कहता हूँ अय्यारियाँ हैं, ये सारी मेकिंग नोट्स की हैं या नोट मेकिंग की हैं. कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, इसके बारे में पढ़ा है कि नोट मेकिंग या मेकिंग नोट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाहे वो रॉ के हों, CBI के हों, जो भी हैं, इन लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन्स मिलती हैं, इनके पास इतना वक्त नहीं होता. एक जर्नलिज्म की बात भी ज़रूर करूँगा कि जब वो खबरों को सुन रहे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो वो शॉर्ट में उसको छोटे छोटे में लिख लेते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो जर्नलिज्म के हों जो न्यूज़ लिख रहे हैं, वो भी नोट्स बनाते हैं छोटे छोटे, शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, एक आर्ट है यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट में लिखना. या फिर वो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग जो उन बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को बहुत ही शॉर्ट में लिख लेते हैं. और कई बार तो वो ऐसे लिख लेते हैं वो खुद ही समझ पाते हैं या फिर उनका खुदा समझ पाता है, कोई दूसरा नहीं समझ पाता. कोई बात नहीं, यहाँ हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बाहर भी निकलना है इन्हीं 2-4-6-5 मिनट की वीडियो. एक और एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि जब हम सिंबल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको याद है ना, एक सबसे जो फेमस, में अभी याद आया है इसी दौरान, सबसे फेमस जो नोट मेकिंग का एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल अभी याद आया है, आपको याद है बेस्ट नोट मेकिंग क्या है, कि हम चीज़ों को इस तरह से लिख लेते हैं साहब, कुछ याद आया? अब वो तरह तरह के एरो बना देते हैं यहाँ पर, ये भी नोट मेकिंग है. या हम आजकल आ रहा है ना कि हम बहुत दुखी हैं तो दो एक फेस बना देते हैं और उसके चेहरे पर ऐसे हंसी दिखा दी तो ये हैप्पी का, ये भी नोट मेकिंग है. और शायद नीचे करने से दुख हो जाता है, हो गया, देखिए लग रहा है मुझे, मैं भी कुछ कुछ सीख रहा हूँ ना कार्टून बनने की ओर हूँ, तो ये भी एक तरह का नोट मेकिंग. सो ऑल दी सिंपल सिंबल्स विच यू नो इन वेरी शॉर्ट वे, इन वेरी शॉर्ट टर्म मेक्स और शोज द ह्यूज स्टोरी, बहुत आसानी से बहुत छोटे में अपनी बातों को, उन चीज़ों को बयान कर पाना, दिस ऑल इज़ अबाउट मेकिंग नोट्स और नोट मेकिंग. एक बड़ा अच्छा, एक और मज़ेदार याद आ रहा है, पहले हस्बैंड कहते थे, अब प्यार से हबी कह देते हैं, तो शॉर्ट है ना और स्वीट भी लगता है. तो ये सब क्या है, चीज़ों को टू मेक द थिंग्स शॉर्टर, टू मेक द थिंग्स ब्रीफर, ईजियर, एंड इट गिव्स यू नो द बेटर रिजल्ट्स. छोटे में चीज़ों को समझना और उनका व्यापक अर्थ बाद में हम गहराई तक पहुंच पाना, दिस ऑल इज अबाउट मेकिंग नोट्स और नोट मेकिंग. गॉट इट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी कहानी को जो पैराग्राफ दिया उसे पढ़ेंगे,
फिर उसके हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन करें. वी हैव टू अंडरलाइन ऑल इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, इंफॉर्मेशंस. कि जैसे हम एक कहानी पढ़ रहे हैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में, तो वो पैदा हुए कहाँ वो इम्पॉर्टेंट हो गया, फिर उनके पिता का नाम वो इम्पॉर्टेंट हो गया, उनका कोई भाई है मौसेरा उसका वो इम्पॉर्टेंट हो गया. कहानी देवदत्त वाली द स्वान एंड द प्रिंस को मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट हो गया. एक हंस मिल गया जो वाउंडेड है इंजर्ड है तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया. तो ऐसे चार छः इम्पॉर्टेंट नोट्स हम बना लेंगे और दीज ऑल इम्पॉर्टेंट नोट्स आर द आउटलाइंस ऑफ द स्टोरी. वर्ड पढ़ते ना, वट आर द आउटलाइंस ऑफ द स्टोरी. तो नोट मेकिंग में सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करें जो आउटलाइन है स्टोरी को. फिर जब हम उनको नोट्स लिखना शुरू करें तो एक तरह का सिंबल का यूज़ करें, छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ करें. हम देयर फोर ना लिखें, हम इस तरह से ये लिख देंगे, देयर फोर लिखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आजकल हम एंड की जगह ये लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ हम इस तरह लिख देते हैं. तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द सिंबल्स टू मेक द थिंग्स ईजियर टू रिमेंबर एंड ईजियर टू रिकॉल. याद रखने में भी आसानी है और जब हम भूल रहे हों जैसे ही उसे दिखाया, जैसे वो एक ऐड आता टीवी पर कि सब माँ के हाथ का खाना, एक आदमी की याददाश्त चली गई, उसके सामने गाजर का हलवा आ गया, उसे अपनी मम्मी की याद आ गई, उसे बेलन दिखा तो उसे शायद वाइफ की याद आ गई. सॉरी जोक्स अपार्ट, प्लीज इसे कोई पर्सनली ना ले. तो ये सब क्या है, दीज ऑल यू नो सिंबल्स वी कैन यूज इन द मेकिंग नोट्स और नोट मेकिंग. सब तक आप समझ गए होंगे कि नोट मेकिंग का कंटेंट कहां से आया और नोट मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. हम इंटरोगेटिव लिख रहे हैं तो हम उसकी जगह पर ये लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ये भी नोट हो गया एक तरह का. हम मिनट्स लिखना है तो हम एमटीएस लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, मिनट्स की तरह हो गया. गवर्नमेंट लिखना है तो हम यहां पर केवल लिख दे रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट हो गया. हिंदुस्तान पाकिस्तान का लिखते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, इंडो पाक लिख देते हैं. नोट्स है ना ये. एक और बढ़िया एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, बड़े अच्छे मूड में हूँ. जोड़ियों के नाम भी लिख देते हैं, विराट अनुष्का को लोग कहते हैं विनुष्का, तो विराट भी हो गए अनुष्का भी हो गए. सैफ और करीना कहने लगे लोग सैफीना. तो दीज ऑल इन एग्जाम्पल्स जो किसी भी वर्ल्ड से हैं, चाहे वो सिनेमा से हों, चाहे वो जर्नलिज्म से आए, चाहे वो यू नो पॉलिटिक्स से आए, स्पोर्ट्स से आए. सो ऑलवेज यू नो आवर मीडिया द मीडिया ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से दे हैव ऑलवेज यूज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग और मेकिंग नोट्स. गॉट इट. अब तक आप जरूर समझ गए होंगे कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह नोट्स को हम यूज करते हैं और नोट्स का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या उसका फ़ायदा है और क्यों उसकी ज़रूरत आती है. कि बहुत बड़ी कहानी को, एक पूरी रामायण को गायत्री मंत्र में समावेश करना, एक बहुत बड़े सागर को एक गागर में लेकर आना जिससे हम उसे वक्त पर रिकॉल कर सकें, थोड़ी सी जगह में उसे लिख सकें और आगे उसको यूटिलाइज कर सकें या यूज़ कर सकें. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग नोट्स. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा एक स्टोरी की जो शायद आपके समझ में आ जाए. तो वही कहानी जो हमने एक द स्वान एंड द प्रिंस एक स्टोरी है, आप सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगी कहानी. नाइन्थ क्लास में थी शायद पहले. तो उसमें सिद्धार्थ है, उसका एक मौसेरा भाई है, देवदत्त है, एक हंस को उसने वो तीर मारता है, वो उसे उठा के बचा लेता है. दोनों राजा के दरबार में जाते हैं जो कि सिद्धार्थ का पिता है शुद्धोधन है कपिलवस्तु का राजा. वहाँ पर एक न्याय होता है, वो हमें सब पता. तो शॉर्ट में हम क्या काम करेंगे, पहले स्टोरी को पढ़ेंगे फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला लिखेंगे. जैसे हम ए तो क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ एंड देवदत्त कौन है, कजन ब्रदर्स. तो ये हमने एक पहली लाइन लिखी. अब हम आगे के बारे में लिखें क्या हुआ, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे यहां पर पहला पॉइंट, देव दत्त शॉर्ट आस्वान, एक पॉइंट हो गया. नंबर टू, सिद्धार्थ को शॉर्ट करके शीट कह दें, saved it,
सिद्धार्थ ने उसे बचाया। एंड थर्ड पॉइंट हो गया, दे क्वारल्ड फॉर इट, वे दोनों लोग इस पर लड़ गए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने एक दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन पकड़ी, क्या हुआ बी पॉइंट, सिड एंड देव वेंट टू द कोर्ट, वे दोनों कोर्ट में गए। एक इंपॉर्टेंट लाइन पकड़ ली हमने दूसरे पार्ट की। अब इसको छोटे छोटे नोट्स में लिखेंगे। सिड क्लेम्ड फॉर ही सेव्ड इट, सिद्धार्थ ने क्लेम किया कि उसने इसे बचाया है। दूसरा पॉइंट, देव क्लेम्ड फॉर ही हैड शॉट इट, मैंने इसका भी यूज कर दिया और शॉर्ट हो गया। तो सिद्धार्थ ने क्लेम किया कि उसने बचाया, देवदत्त ने क्लेम किया कि उसने इसको शॉट किया, इसको एरो मारा। अब इंपॉर्टेंट थिंग तीसरी है, सी पॉइंट लिखेंगे, द मिनिस्टर क्या किया, गेव जस्टिस बाय द स्वान, स्वान के द्वारा ही जस्टिस करा दिया। कैसे, इसको भी शॉर्ट में लिखेंगे। अब देवदत्त का टर्न, पहले देव कॉल्ड इट डिड नॉट कम सिड कॉल्ड इट फ्लू टू हिम, देवदत्त ने कॉल किया, मिनिस्टर ने कहा कि भाई स्वान डिसाइड करेगा किसके पास जाना है, तो जब देवदत्त ने कॉल किया वो नहीं गया, वो चिल्लाने लगा, जब सिद्धार्थ ने उसे कॉल किया तो उसके पास आ गया। दस इट प्रूव्ड दैट वन हु सेव्स इज ग्रेटर देन हु किल्स, ये बेसिक एक लाइन में मैंने कंक्लूड कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि जो मारता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी को हम देखेंगे। नोट मेकिंग में हमने 1, 2, 3 पॉइंट लिखे, फिर उनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखे। मे बी पॉसिबल आप इससे और शॉर्ट भी कर सकेंगे अच्छे हैं तरीके से, बट द बेसिक फंडामेंट ऑफ दिस स्टोरी इज दिस। अब अगर एक क्वेश्चन और आता है डियर वंस कि व्हाट इज द समरी ऑफ द पैराग्राफ, अगर आप किसकी समरी लिखना चाहें, तो डियर आप इतना करें, केवल ये सारे हटा देंगे और यही सारे पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे, एंड दिस ऑल इज द समरी ऑफ द होल पैसेज और द पैराग्राफ एज वेल एज द स्टोरी। सो डियर वंस, ऑल डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स और नोट मेकिंग। आई होप यू विल लाइक इट, यू विल एंजॉय इट, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तक आप लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने, आई थिंक इट इज गोइंग टू लेट, सो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपके जैसे जैसे लाइक्स बढ़ रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, इट ऑलवेज थ्रिल्स मी, इट फिल्स मी विद एक्साइटमेंट एंड एनकरेजमेंट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एंजॉय योर लाइफ।